आदिवासी लोगों ने मिलकर घायल दीताराम के जल्दी स्वस्थ होने के लिए भगवान से की प्रार्थना। 29 जून को हुए दीताराम के साथ मारपीट को अब कुल 9 दिन बीत गए हैं। ऐसे में आदिवासी समाज और भील समाज के द्वारा कुंडाल गांव में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। साथ ही घायल दीताराम को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए, जिसने बाली कांग्रेस नेता ठाकुर अभिमन्यु सिंह पालना ने जय जोहार के नारे से सभी को संबोधित किया। आदिवासी लोगों में आक्रोश साफ दिखाई जा सकता है और ठाकुर अभिमन्यु सिंह फालना के द्वारा लोगों को शांत करवाया गया, जिसमें ठाकुर अभिमन्यु सिंह फालना ने लोगों से कहा कि वे घायल दीताराम जी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करें। जिसमें ठाकुर अभिमन्यु सिंह फालना के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर प्रशासन के द्वारा आरोपियों को जल्दी ना पकड़ा गया तो पूरे बाली तहसील में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा सहमति दी गई। ठाकुर अभिमन्यु सिंह फालना ने बारिश को ना देखते हुए भारी बारिश के दौरान भी लोगों को संबोधित किया। ठाकुर अभिमन्यु सिंह फालना को सुना, ऐसे में ठाकुर अभिमन्यु सिंह फालना ने भी सभी का धन्यवाद प्रेषित किया। इसी के साथ उन्होंने फालना का कहना है कि अगर प्रशासन समय रहते घायल को उपचार के लिए नहीं ले जाती और आरोपियों को हिरासत में ले लेती तो ऐसे में परिस्थिति पैदा ही ना होती। ठाकुर अभिमन्यु सिंह फालना के द्वारा बाली थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा के से बोला गया कि जो भी आरोपी है उनको हिरासत में ले एवं बीजापुर चौकी प्रभारी एवं स्टाफ के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है उन पर भी कार्रवाई की जाए। वंदे भारत न्यूज़ के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट बाली से। हमारे समाज को नई दिशा देने वाले और आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले आपके हमारे सबके भगवान बिरसा मुंडा जी को कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी आदिवासी भाइयों को नमन करते हुए आज हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं वो एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पे हुई थी। गत 29 तारीख को आप ही के एक साथी दीताराम जी के ऊपर आप ही के गांव के लोगों ने हमला किया और ऐसी परिस्थिति बनी कि उस परिस्थिति के अंदर उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, डर का भय का वातावरण बना कि कोई उनको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, जो आता उनको भगा देते थे। मेरे पास में फ़ोन आया, मैंने अपने गांव से गाड़ी मेरे ड्राइवर को स्टाफ को भेजा कि भाई जाके उनको एक बार हॉस्पिटल पहुँचाओ। यहाँ पर आके उन्होंने भी देखा कि किस तरह से गाड़ियाँ रास्ते पर खड़ी थी, रास्ते को रोका हुआ था, लेकिन आप सभी के सहयोग से भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से हम उनको ले जाने में सफल हो पाए। हॉस्पिटल लेके गए, बाली में चोट ज़्यादा थी तो उनको सुमेरपुर लेके गए। सुमेरपुर में भी उनकी MRI वगैरह करे, पता चला कि बहुत गहरा घाव सिर पे हो रखा है। उनको जोधपुर एम्स में ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया, 3 बजे वहाँ पर पहुँचे और आप सभी के सहयोग से सुबह 8 बजे उनका ऑपरेशन शुरू करवाया जल्दी से जल्दी ताकि उनका ऑपरेशन हो। 5 घंटे का उनका ऑपरेशन चला और दिन में 1 बजे उनको ICU से बाहर निकाला और ये बताया गया कि वो ठीक है, ऑपरेशन सफल हुआ है, लेकिन वो अभी भी कोमा में है। उनका जो सुधार है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से वो ठीक है। मैं कल खुद वहाँ पर गया था, मिल के आया था। मेरे साथ में संगीता जी बेनीवाल जो राज्य सरकार में मंत्री है, वो पूर्व मंत्री सुनील जी परियार साहब भी हमारे साथ में थे। हम गए, मिल के आए, डॉक्टर्स को उन्होंने हिदायत दी है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की दुआओं से वो जल्दी ठीक होकर हमारे बीच में आएंगे। आज इस बैठक का मेरे पास में साथी आए थे 3-4 दिन पहले आप ही के सब, और ये बताया कि सब हम बैठ के बात करना चाहते हैं। हमारे मन में बहुत भयंकर आक्रोश है, मैं आपके आक्रोश को समझ सकता हूँ, आपके हालात को मैं जान सकता हूँ, क्योंकि ये किस्सा, ये हादसा पहला नहीं हुआ है आपके गांव के अंदर। जैसा मुझे बताया गया, मुझे जो वीडियो बताए गए कि पूर्व में भी कुछ महीने पहले इसी तरह की घटना घटी थी, शायद कोई कालूराम जी है आपके उनके साथ में, और उनको रोड में उनके साथ में मारपीट हुई थी जिसके वीडियो वायरल हुए थे, केस भी दर्ज कराया गया था। वो घटना का मेरे को किसी ने बताया नहीं, अगर वो बात मुझे बताई गई होती तो उसमें अपन संज्ञान लेते, कार्रवाई करते, लेकिन उसके बाद वापस उसी तरह की घटना, क्योंकि उस घटना में कोई कार्रवाई नहीं हुई उस वजह से ये घटना वापस यहाँ पे घटित हुई है और ये बहुत ही दुखद घटना है। हम
चुनाव लड़ते हैं, मैं भी राजनीति में हूँ, राजनीति में कई तरह की बातें हम करते हैं, कई तरह के हम भाषण देते हैं, विकास की बात करते हैं। राजनीति लड़ाई किसकी है? मतभेदों की लड़ाई है। मेरा मत अलग हो सकता है, आपका मत अलग हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारे मतभेद है तो किसी के ऊपर लाठीचार्ज करवाया जाए, किसी के ऊपर आक्रमण कराया जाए, किसी के साथ में मारपीट की जाए। ये राजनीति के अंदर, हमारे संविधान के अंदर इस चीज़ की छूट नहीं है। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं आज इस मंच से, आप सबके माध्यम से, जिन लोगों ने इस तरह की कोशिश की, उसको हत्या करने की, मारने की जो कोशिश की है दीता रामजी को, मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरह की वापस पुनरावृत्ति नहीं करे। और हमारे बीच में यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन मौजूद है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर ये लोग सक्रिय होते, अगर इन लोगों ने तत्परता दिखाई होती पिछले केस को लेकर, तो मैं समझता हूँ कि ये हादसा यहाँ पर नहीं होता, ये घटना यहाँ पर नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोशिश में कमी रही है, कहीं ना कहीं उनकी कोशिश में कमी रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं पहले भी कमी रही है। और मैं आप सभी के माध्यम से उनको आगाह करना चाहता हूँ, आज हम यहाँ पर किसी तरह का कोई आंदोलन करने यहाँ पर नहीं आए, आज हम यहाँ पर सिर्फ ये प्रार्थना करने आए, ये दुआ करने आए हैं कि भाई दीताराम जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और आप सबकी बातों को सुनकर, आपकी सबकी भावनाओं को लेकर मैं उन सबसे बात करूँ। हम सब यही आज इस मंच से, आज इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा जी से और हमारे सभी ईश्वरों से हम ये निवेदन करना, ये प्रार्थना करना चाहेंगे, दुआ करना चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी दीताराम जी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, हमारे बीच में आए। लेकिन आप सभी के माध्यम से, आज इसी मंच से मैं पुलिस प्रशासन को भी ये आगाह करना चाहता हूँ कि जो FIR बताई गई है, उस FIR के अंदर जिन लोगों का नाम दर्ज किया गया है, जिन लोगों को इस घटना के अंदर संलिप्तता बताई गई है कि वो इसमें शामिल है, मैं निवेदन करना चाहूँगा, उनको आगाह करना चाहूँगा कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ़ में तुरंत कार्रवाई करें। जो लोगों ने गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई दी, उन गाड़ियों को जब्त किया जाए। और अगर ये कार्रवाई नहीं की तो मैं आपको कहता हूँ कि बहुत जल्दी हम एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, और उसमें कुछ भी हो गया तो उसकी जवाबदारी पुलिस के लिए है। आज इस मौके पे मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम शांति बनाए रखें, हम भाईचारा बनाए रखें, हम मान मर्यादा बनाए रखें। आप आदिवासी लोग बड़े ही संगठित लोग हैं, बड़े अनुशासन में आप रहने वाले लोग हैं, और अब आप लोग सब जागरूक हो गए हैं। आप सभी लोग जो है तो हमें एक मिसाल देनी है। एक आपने सुना होगा कि हम बात करते हैं, मेरा ये हमेशा उसूल रहा है जीवन के अंदर कि जो हम पर पत्थर बरसाएंगे, जो हम पर लाठियां बरसाएंगे, हम उन पे फूल बरसाएंगे। लेकिन अगर हमारी, हम महात्मा गांधी के विचारों पे चलने वाले हैं, महात्मा गांधी के देश में हम रहते हैं, हमारी ये मंशा है कि उन्होंने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान के हक हकूक से हम भी रहेंगे। जो हमारे साथ में किसी तरह की लाठी बरसाने की, पत्थर बरसाने की, हमारे पर कोई आक्रमण करने की कोशिश करेंगे, हम उसको प्रेम से भी सहेंगे, लेकिन उस प्रेम को हमारी कायरता नहीं समझी जाए, उस मान मर्यादा को, उस भाईचारे को हमारी कमजोरी नहीं समझा जाए। अगर ये बार बार होता रहा और ये पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को ठीक करे, जिन लोगों ने ऐसी इस तरह की व्यवस्था बना रखी है उनके खिलाफ में ठोस कार्रवाई करे, अगर उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की है तो हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी एक जोरदार आंदोलन करेंगे। और जो पुलिस प्रशासन के लोग इस तरह के जघन्य कार्रवाई करने में, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं या इस तरह के लोगों को उकसाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनको चौकी थाना छोड़ के जाना पड़ेगा, उनको सस्पेंड भी होना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों की ताकत के भरोसे कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये बहुत ही दुखद घटना रही है, हम कभी इस तरह की बात, इस तरह की वातावरण नहीं चाहते हैं। चुनाव होते हैं, आप जाइए हर पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, एक नहीं दस दस लोग चुनाव लड़ते हैं, उनको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन चुनाव की रंजिश को अगर इस तरीके से कोई निकालने की कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे व्यक्ति को कोई सपोर्ट करता है, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई वो विधायक हो, चाहे कोई लोकसभा का सदस्य हो, MP हो, चाहे कोई मंत्री हो, अगर ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट करता तो मैं उनकी भी घोर शब्दों से, कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ कि ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं या जो राजनेता बने हुए हैं, जो राजनीति करते हैं,
जो उच्च स्तर पर पहुंचे हुए हैं, जिनको जनता नेता के रूप में देखती है, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे अगर कहीं घटना हो जाती है, कहीं पर किसी गांव के अंदर दो पक्षों के बीच में किसी तरह का अगर वातावरण खराब हो रहा है, तो उनकी कोशिश होती है कि उन दोनों पक्षों को बिठाए, बातचीत करे, उनके आपस में समझाइश कराए और कोशिश करे कि वो पूर्ण भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे, सद्भाव से रहे और इस तरह की कोई घटना वहाँ पे किसी भी गांव के अंदर घटित नहीं हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरह की घटना को करवाने के लिए किसी का साथ देता है, किसी का सहयोग देता है, किसी की मदद करता है, तो मैं समझता हूँ वो वाकई बहुत ही खराब है, बहुत ही गलत है और मैं उसकी निंदा करता हूँ इस मंच के माध्यम से। आज यहाँ पर आप सभी दुकान मोड़िए नमर बेसो है तो छोटो बेसो है हैं कौन कौन है उनका नाम बताओ ना सोम नरम मेरे नंबर नाम बताओ एक से नरम ये बाटा फेंके रात रावेन एक दरे बाटा ठेके फिर फेंकिया मुएर बेटा बैठी थी मुको बाटा मत फेंक आप सब बैठ जाओ भाग गया हम पेशाब की दो पेशाब करे ने बहुत लफ फेंके आदमी है पुलिस वाला है कोई कार्रवाई नहीं की दी पुलिस वाला दीतारा में ठोर पार जन बेटा गहरे ले गया मैं ऊपर ले गया तो पुलिस वाला आया तो मैडम मैं क्या ऐसे कि रुको रुको कहो दीतारा में रखे कह रहे हालत हुए थे कि वो देखो तो इन्होंने कोई फोन आवे ने की दी तो ये तो भाग गया वीजा पूरे रहा था वीजा गाड़े में लिए एटा थी सैर जे एटा थे सैर जे एतरो डी रहो तो के उनो डी रमा वे ने गाड़े काट जे ने वाल पुटे पुटे बे लाख रुपया वाला आ गया लेन देन का देवा था वो पैसा में पर बे लाख रुपया वाला बे देना था पुटे पुटे आ जा ये लाख रुपया देना जा मान नहीं से वही हुआ सग ना दी तक आ जा भी आदमी कम से यार तू ने सोनो सोनो रे में सर पे से क्या जो क्या मुही नंबर दे के मारो ही नहीं के अभी हम पहुंचे हैं, आप देख रहे हैं हमारे जो घायल अभी जोधपुर एम्स में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है, उनके घर पर हम आए हैं। इनका घर है और ये हमारे साथ में जुड़े हैं दीताराम जी की धर्मपत्नी। आपका नाम बता सकते हैं? मारुवी श्रीबाई। हाँ? आप घर पर ही थे जिस वक्त में आपके ये घटना हुई? हाँ, थी गैर थे दो मिन वेन का घी हाँ का एक एक आदमी के रोड के थूका ले भाई क्यों मार के आदमी पो मर के तो हर आदमी के एक के तेरी हो गए के हाँ। क्या पूरा राम तो उसके बाद में लेके आए थे हाँ एटेज लेके आए हाँ।
कोई कोई नहीं कहे। उसके आने वाली पुलिस आ जाती बियोटा उन्हें मार्ग माँ के आवावत के इड के दीताराम के कैसे क्या हाल है ती विंदो हेंग नाइन पा गया इड आये को ने चाहते आप। हाँ और में आप कौन है घर में? घर में कोई कौन है भूसा तो कोई नहीं है एक एक ही थे एक ही व्यक्ति थी बेटा दादी बे भी बेटा बेड़िया पेरिया हाँ बे ने बेटा इस अस्पताल में पेरिया है। वो जो दीताराम जी का जो भतीजा है उन वो कहाँ पे अभी बैठ जाने बाईस है पैर का वो बाईस है सर उसने परीक्षा दी थी ना। आप आपका नाम? मैं तो फूली भाई। आपका दीताराम जी के क्या लगते हो? बहन लगते। आप बड़ी सिस्टर हो छोटी हो? छोटी, छोटी बहन हो। आप आराम से नीचे आ जाइए। आगे जाओ। आगे कोई है। बेटा पीछे रह जाओ। थोड़ा सा पीछे आ जाओ। मैं तो कुछ नहीं लिखा मेरी मम्मी से बात। ये दीताराम जी की मदर है ना? ये दीताराम जी की माता जी है। इनसे हम जानकारी लेंगे कि उस वक्त में जो घटना हुई थी इनके मुख से ही हम जानेंगे कि लोग दूसरी बातें भी कर सकते हैं लेकिन जो घटना हुई थी ये झूठ नहीं कह सकती। अभी इनसे ही जानकारी लेंगे। जिस वक्त में ये घटना हुई थी उस वक्त में आप घर पे थे? घर नहीं होते बंदी बाबर मरवा ले दो मिन के मुझे नहीं होते। घर में कितने लोग थे? मेरे लोग तो घर में हो सुन एक एक तो आ गई है ना देगी है ना बोले चार पांच जने होंगे कुल मिला के। आप देख सकते हैं ये हम दीताराम जी के परिवार से हमने बातचीत की जिसमें इन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से इनको कोई मदद मुहैया नहीं हुई है तो उसके बावजूद भी इन महिलाओं की हिम्मत के दाद देनी चाहिए कि इन महिलाओं ने घायल दीताराम को यहाँ से उठा के ठाकुर अभिमन्यु सिंह फालना के द्वारा इनकी गाड़ी मंगवाई गई इन्हीं के द्वारा उसके बाद में ठाकुर अभिमन्यु सिंह फालना के द्वारा गाड़ी भेजी गई यहाँ पर गाँव में और यहाँ से गाड़ी लेके गई बाली में। बाली में उनका उपचार हुआ लेकिन वहाँ पर भी सीरियस कंडीशन के देखते हुए फिर सुमेरपुर में इनको भर्ती करवाया गया था लेकिन सुमेरपुर में 3 बजे रात के 3 बजे के आसपास इनकी घटना और भी ज़्यादा उनकी समस्या उत्पन्न होने की उस वजह से फिर उनको जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और साथ ही जोधपुर एम्स में इनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अभी वो कोमा में है। ठाकुर अभिमन्यु सिंह फालना ने हमें जानकारी दी है जिसमें इन्होंने बताया कि कल रात को वहाँ वो स्वयं मौजूद थे वहाँ पर और उन्होंने कहा है कि जल्द ही दीताराम इन सभी के पक्ष समक्ष में उपस्थित होंगे। वंदे भारत से मोहसिन खान के साथ में डीके देवाशी की खास रिपोर्ट। दीताराम के परिवार से ही एक व्यक्ति जुड़े हैं जानते हैं उनसे ही कि जो घटना हुई थी इनके द्वारा अपने द्वारा देखी गई थी कि जो जिस वक्त में दीताराम जी के साथ में मारपीट हो रही थी उस वक्त में आप मौजूद थे या फिर बाहर बाहर गए थे? उस टाइम मारपीट में बाहर गया मैं तो शाम को 6 बजे के बाद मारपीट हुई है 6 बजे 6 बजे के आसपास मारपीट हुई है। और परिवार में कितने जने हैं दीताराम जी के परिवार में? दीताराम जी के परिवार में ज्यादा नहीं है 10 जने आदमी कितने हैं? 10 जने लड़के लड़की सब। तो दीताराम जी की जो जिस वक्त में ये घटना हुई थी उस वक्त में आप बोला गांव के मंदिर मौजूद थे या फिर बाहर गए हुए थे? घटना उस टाइम में आधे घंटे के बाद में इधर उसके पास आया हूँ दीताराम के पास। और आपको क्या थोड़ी जानकारी होगी कि जिस वक्त में ये घटना हुई थी उस वक्त में जिन आरोपियों के द्वारा ये घटना की गई थी उस वक्त में क्या आपको उनके एक दो जनों के नाम आपको याद है? नाम है कालू राम और सरपंच पिंटू कुमार। कालू राम ये किस जगह से? इसी गांव से? इसी गांव से। इसी गांव से कालू राम और सोहन। और ये जिसमें ये पिंटू नाम जो बार बार आ रहा है ये पिंटू नाम ये कौन है? पिंटू राम है सरपंच पति है। हाँ, तो उसकी पत्नी है वो सरपंच। हाँ, वो सरपंच। तो उनका नाम बता सकते हैं आप? तेजी भाई। आपका नाम? मेरा नरेंद्र।
दीताराम जी के भाई लगते हैं, बड़े भाई हो ना। ये थे दीताराम जी, ये दीताराम जी के भाई है रतनलाल जी ना, नरेंद्र जी, नरेंद्र जी गरासिया, ये कुंडाल से है, ये दीताराम जी के परिवार से इनके बड़े भाई है, इनसे हमने ये जो जानकारी इकट्ठा की है। चलिए अब अभी दीताराम जी के परिवार की और अपन चलते हैं और जहाँ पे ये घटना हुई थी उसके बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी देते हैं। जहाँ बिरसा मुंडा चौराहे पर जो निर्मम तरीके से जो मारपीट की गई थी दीताराम गरासिया के साथ में, आज वहीं पूरे ग्रामीण व कांग्रेस पार्टी के MRC प्रभारी ठाकुर अभिमन्यु सिंह फालना कुंडाल गांव में पहुंचे हैं। आइए हम जानते हैं इनसे अभी जो यहाँ पे जो हालात दिख रहे हैं हम लोगों को, जो यहाँ पे सब जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, आइए हम बात करते हैं ठाकुर अभिमन्यु सिंह फालना से।